हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5 के हमारा परिवेश बुक से पार्ट 6 वन्य जीवों का संरक्षण भाग 1 बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं, तथा कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। ऐसे जानवरों को वन्य जीव अथवा जंगली जानवर कहते हैं। उदाहरण के लिए, पालतू जानवर जैसे कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, बिल्ली आदि, जंगली जानवर जैसे भालू, शेर, लोमड़ी, चीता आदि। बच्चों, जीव जंतु हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर हैं। जैसे बैल, खच्चर, ऊंट, घोड़ा आदि जुताई, सवारी ढोने या बोझा ढोने के काम आते हैं। गाय, भेड़, बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है। और मुर्गी, बतख, इनसे हमें अंडा मिलता है। इसी तरह मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, बटन, कंघी तथा अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। और भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। बच्चों, यदि ये उपयोगी जंतु हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं, तो क्या होगा? स्क्रीन में बने चित्रों को देखें। इन चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आइए जानें ऐसा क्यों हुआ। आज से बहुत साल पहले घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं वन्य जीव पाए जाते थे। पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ी। खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई शुरू हो गई, जिससे पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई। कम वर्षा होने लगी, नदियाँ सूखने लगीं। इसका असर जंगल में रहने वाले जीवों पर पड़ा। जैविक आवश्यकताओं के अभाव में कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पूरी तरह से खत्म हो गईं। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व बांधों आदि के निर्माण ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। शेर, हिरन, कछुआ आदि जानवरों की खाल का अवैध व्यापार किया जाता है। गेंडों, बारहसिंगों को उनकी सींग के लिए मार दिया जाता है। इन कारणों से वन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं,
उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, जैसे लाल तोता, डोडो पक्षी, डायनासोर, लाल पांडा और मेमत। ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं, जैसे काला हिरन बाघ, अफ्रीकन हाथी और साही, बारासिंघा और गोरैया, कछुआ और गिद्ध तथा शेर। बच्चों, पाठ का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए बाय बाय।